घर आने के लिए शॉर्टकट लिया था ताकि जल्दी पहुंच जाऊं। मुझे क्या पता था कि ये मुसीबत मेरा इंतजार कर रही होगी। उस लड़की की कंडीशन कैसी है? बहुत सीरियस है। हाँ हेलो इब्राहिम, क्या हुआ, उस लड़की को होश आया? हाँ, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया था कि उस लड़की को होश तो आ गया है। क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सालिया, आपने तो कहा था कि एक्सीडेंट बहुत शदीद हुआ था। जी जी, एक्सीडेंट तो बहुत शदीद हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि अचानक हुआ क्या है। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, कोई टेंशन की बात है? सी स्ट्रेंज, कार ने इसको इतनी जोरदार तरीके से टक्कर मारी थी और एक भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। लेकिन जब इसको यहाँ लाया गया था उस वक्त जो टेस्ट हुए थे उसके हिसाब से तो बहुत जगह फ्रैक्चर्स आए थे। इट्स अमेजिंग। मतलब वो ठीक तो है ना? जी हाँ, लेकिन मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में कोई पेशेंट इतना तेजी से रिकवर नहीं हुआ जितनी स्पीड से लड़की रिकवर कर गई। तो ये तो खुशी की बात है ना? हाँ, लेकिन एक मसला भी है। कैसा मसला डॉक्टर साहब? MRI की रिपोर्ट से लग रहा है कि जैसे ये लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? आप ठीक तो हो? तुम्हारा एक्सीडेंट ना मेरी गाड़ी से हुआ था, कुछ याद है उसके बारे में? आप इतनी रात गए वहां कर क्या रहे थे? आप अचानक से इनकी गाड़ी के सामने आ गए थे। थोड़ा ज़हन पे जोर डालो, मुझे कुछ याद नहीं आया। वो इतनी सुनसान सड़क पर उस टाइम पे अकेली क्या कर रही थी? मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। मेरे लिए? जी जी, आपके लिए। हम चाहते हैं कि आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर सकें ताकि आपकी और उनकी परेशानी खत्म हो सके। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं याद ये घर वाले कौन है, कहाँ है, मुझे तो ये भी नहीं याद। कुछ याद नहीं आ रहा, आप लोग प्लीज मुझे तनहा छोड़ दें। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। हाँ, मैंने अकेले में बात करनी है। देखो, तुम्हारा उस एक्सीडेंट के बारे में याद करना बहुत जरूरी है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं हमारे लिए भी। कोशिश करो प्लीज। कोशिश करूं? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। अब उसके घर वालों को तलाश करना खासा मुश्किल होगा। बहुत अच्छा किया आपने इसे यहाँ लाके। अब कोशिश कीजिएगा उसके घर वालों को ढूंढने में मदद कर सके। जी जी जी, डोंट यू वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।
चल चल। मुझे लगता है हमें एक्सीडेंट की जगह पर जाकर उस लड़की का कुछ अता पता मालूम करना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो। लेकिन एक मसला है। कैसा मसला? ऑफिस पहुंचकर ही मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैकेनिक के पास भिजवाई है, हमें टैक्सी में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कैब बुलवा लेती हूँ। ओके। इब्राहिम, 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 क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? मुझे लगा तुम कैब आ गई। चलो थी, वो कहाँ चली गई? तुम्हें क्या करना है बेटा? मैं उनके लिए रोज मैच लाता हूँ, वो तो यही रहती थी, इतने सारे दिन हो गए, पता नहीं वो कहाँ चली गई। पता नहीं बेटा, लेकिन उस औरत से दूर रहा करो आप। क्यों अंकल? क्योंकि ऐसे लोग बच्चों को किडनैप करके बेच देते हैं। अंकल वो ऐसी नहीं है। अभी आप छोटे हो, ऐसी औरतें बच्चों को काबू में कर लेती हैं। वैन वाला आपका इंतजार कर रहा होगा, जाओ और उस औरत से दूर रहो। यहाँ तो लग रहा है कोई भी नहीं है। कोई ना कोई तो होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बस एक ज़रूरी बात करनी थी। जी कहें, क्या बात करनी है? इस इलाके से कोई लड़की लापता तो नहीं हुई है? लड़की लापता? अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, यहीं से 2-3 किलोमीटर आगे दरख्त थे वहाँ पर बहुत सारे। यहाँ तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू, हम आगे से पूछ लेते हैं, आगे से पूछते हैं। थैंक यू। क्या सोच रहे? मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस लड़की की याददाश्त वापस ना आई तो मेरी वजह से उसकी याददाश्त, उसकी जिंदगी, उसकी पहचान, उसकी हर चीज खो गई। तुमने जानबूझकर तो एक्सीडेंट नहीं किया ना? जानबूझकर या गलती से, जो होना था वो तो हो चुका। गलती तो मेरी ही है ना। शुक्र अदा करो बस, वो मरी नहीं जिंदा है, वरना इससे बुरे हालात भी हो सकते थे। अब हमें कोशिश करके उसके घर वालों को ढूंढना चाहिए, पुलिस पे कितना रिलाय करेंगे हम? कल फिर ट्राई करेंगे। अच्छा वो हॉस्पिटल से फोन आया था, पूछ रहे थे कि उसको कौन से कमरे में रखें, तो मैंने कहा है कि फिलहाल तो प्राइवेट रूम में ही रहने दो। हाँ सही किया। कैसी तबीयत है उसकी?
बेहतर है। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा चलो तुम लोग तो खाना खा लो, गरम है अभी लगाया है मैंने। सुबह से भूखे हो, कुछ नहीं खाया है तुम लोगों ने भी, बल्कि उस लड़की के लिए भी लेते जाना। पता नहीं हॉस्पिटल में कैसा खाना मिलेगा उसे। आ जाओ बेटा। चलो पहले हम लोग खा लेते हैं और फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे। हाँ मैं आ रहा हूँ। इब्राहिम जी। अम्मी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये फ्लावर्स आपके लिए। शुक्रिया। और ये कुछ फ्रूट्स, आप प्लीज ये सब वापस ले जाएं। मेरे लिए ये फूल काफी है। क्यों, खाना भी तो जरूरी है ना। आपका कोई फर्ज नहीं बनता मेरी तरफ। पहले ही बात कर चुके हैं आप लोग, मैं मजीद कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, इसमें तकलीफ क्या? प्लीज आप ऐसा ना सोचो। इब्राहिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जी मारूफ, कैसी तबीयत है आपकी? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, क्या इन्हें इनका नाम याद आ गया है? नहीं, इनकी याददाश्त वापस नहीं आई है, लेकिन हमें फाइल में कुछ तो नाम लिखना था। नर्स ने इसका नाम मारूफ रख दिया, और यह भी इतनी प्यारी, माशाल्लाह, हसीन और जमील। बहुत प्यारा नाम। Yeah, it's a beautiful name. कहना चाह रही है कि उसने अपने बच्चे को नहीं मारा, फिर बच्चे को किसने मारा?
अस्सलाम। अरे क्या हो गया भैया, मैं हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम डरते भी हो। डरने और चौंकने में बड़ा फर्क होता है। मैं तुम ये बताओ, दो तीन रोज से कहां भाई? वो यार आजकल बहुत मसरूफ रहने लगा हूं कुछ चीजों में, अभी भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आया हूं। अच्छा किया, वरना तुम्हारी खबर लेने में खुद तुम्हारे घर पहुंच जाता। तो आ जाया करो ना, अपने घर समझो। वैसे भी अम्मी पूछ रही थी कि नासिर कहां गायब है इतने दिनों से। मोहब्बत है उनकी, मेरी तरफ से भी उन्हें पूछता। अच्छा आजा लेट। वो उस लड़की का क्या बना? मारुख, मारुख नाम है उसका। पुलिस क्या कहती है? कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं, वो भी डिले ही कर रहे हैं। ऊपर से उसकी याददाश्त जाने की वजह से काफी इश्यूज हो रहे हैं। वो अगर बिल्कुल ठीक होती तो अभी तक ये मामला निमट चुका होता। मैं तो खैर हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ हूँ उसकी फैमिली को तलाश करने की, ताकि ये बोझ हमारे सर पर से हटे। इब्राहिम यार, उसे बोझ समझकर नहीं, फर्ज समझकर करो। हाँ यार, आप ठीक कह रहे हो। खैर अभी तक तो वो हॉस्पिटल में दिन के कई चक्कर लग जाते हैं वहां के, बाकी कुछ और मामलात भी चल रहे हैं। मैं थक गया हूं यार। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हमें बहुत जरूरत है। तुम और तुम्हारा खानदान हमेशा मेरी दुआओं में होते। थैंक यू। वेलकम। चलें अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार आऊंगा तो फुर्सत से आऊंगा, बहुत सारा टाइम निकाल के। ज्यादती है, चलो कुछ और नहीं, मैं दरवाजे तक छोड़ कर आता हूं। आज आप ही क्या हुआ, होश में आ गई है? ये होश तो आ गया है, लेकिन कुछ खा भी नहीं रही, जिसकी वजह से बहुत कमजोरी हुई भी है। हेलो। हाँ साइमा, कौन सी फाइल? हाँ हाँ वो वही है ना। इब्राहिम का मैसेज आया, वो नासिर भाई की तरफ से निकल गए। उनके आने से पहले मैं ना जरा डॉक्टर से मिल लूं। मैं भी चलता हूं। गए? अच्छा चल। हॉस्पिटल से फोन आया था, पेमेंट का कुछ कह रहे थे, उनसे बात कर लो। जी बेहतर वकील साहबा। जल्दी उसके इलाज से मायूस हो गई? मायूसी की बात नहीं है अम्मी, डॉक्टर्स कह रहे हैं उसकी याददाश्त कब वापस आएगी, वो कुछ कह नहीं सकते। ना उसके घर वालों का कुछ पता चल रहा है, पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चला। वो हॉस्पिटल में उसको इतने दिनों तक तो नहीं रख सकते ना। हमें हर हाल में उसके रिश्तेदारों को ढूंढना पड़ेगा। जब पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में पुलिस कोई एक्शनेबल काम नहीं कर रही है सिवाय हमें बहलाने के। एक आइडिया है मेरे पास। अच्छा कैसा आइडिया? मैं सोच रहा हूँ कि उसकी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँ, शायद उसे कोई जानता हो।
बेटा जब तक उसके घर वाले नहीं मिल जाते, अस्पताल वालों से कहो कुछ दिन और रख लें। बिल तो हम ही दे रहे हैं। बिल की बात नहीं है अम्मी, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो बस फिर उसको यहीं ले आओ, पता नहीं कौन से दारुलमान में भेज दें, कैसा माहौल होगा वहां का। वैसे उसकी याददाश्त नहीं, हम उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? अम्मी उसे यहाँ पे रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो यहाँ से लापता हो गई है या यहाँ रह के उसको कुछ हो गया तो लीगली हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तुम्हारी बीवी वकील है और तुम कानून से डरते हो। नहीं अम्मी, मेरा ख्याल है इब्राहिम ठीक कह रहे हैं। फिर भी मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि उसे यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं करूंगी उसकी देखभाल। हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, बताओ छोड़ सकते हैं? मैं और इब्राहिम तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, फिर बच्चे भी सारा दिन आपको परेशान करते हैं, और वो लड़की भी आपके सर पे आके बैठ जाएगी। अब आप खुद बताएं, आपको परेशानी नहीं होगी क्या? बेटा तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, हफ्ता दो हफ्ता मेहमानों की तरह रह लेगी तो क्या हर्ज है, क्या कहते हो तुम? अम्मी आप मुझसे ना पूछें, इससे पूछें। आप ही बताओ क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है अम्मी ठीक कह रही हैं, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगे, कम से कम हमारा ज़मीर तो मुतमईन रहेगा ना। इब्राहिम तुम बिल्स क्लियर कर लो, मैं महरूख को रेडी करती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो महरूख, कैसी हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। महरूख तुम रो रही हो, क्या हुआ? मुझे दारुलमान भेज रहे। ये बात किसने कही तुमसे? नर्स ने बताया। मैं नहीं जाऊंगी वहां, मैं सिर्फ अपने माँ बाप के पास जाऊंगी। मेरे भी माँ बाप होंगे ना? हाँ हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, और हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अब प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढते, वो दारुलमान ने झील होगी। देखो मगर दारुलमान नहीं जाना चाहती ना, तो मत जाओ, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मैं आपके घर नहीं जा सकती। माय गॉड, इतना मैसिव बिल। कितना बिल आया बताओ? 5 लाख रुपए। हे, हॉस्पिटल वालों ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया जो इतना बिल बना दिया? यार वो प्राइवेट रूम था ना, इसलिए बिल ज्यादा है। तुम क्यों हॉस्पिटल वालों के हक में दलाइन दे रहे? ओवर बिलिंग है ये, मैं तो सोच रही हूँ इन पे केस कर दूं। अब के हर किसी पर केस कर दोगी? आलिया कोई फायदा नहीं होगा, तुम बस ये सोचो कि मारो के साथ साथ तुम्हारी जान भी बच, इसके केस के बारे में तो तुम भूल जाओ। अच्छा कैसे पे करोगे इतना? अरे वो हो जाएगा, कर दूंगा मैं, डोंट वरी। अब कहाँ जाओगे तुम? मैं अब ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाके हॉस्पिटल वालों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा और उसके बाद काम करूंगा, और क्या करूँ। मारुफ का क्या होगा? मारुफ की बाद में देखी जाएगी, पहले मैं हॉस्पिटल वालों का बिल क्लियर कर दूँ, फिर देखते हैं क्या करना है यार। हाँ ठीक है, तब तक मैं कुछ कागजी कार्रवाई कर लेती हूँ उसे साथ ले जाने के लिए। हाँ ठीक है, कानूनी कार्रवाई लाजमी है, तुम उसे कंप्लीट कर लो। ये तुम्हारा ऑफिस आ गया यार।
ये ले ले। हाँ थैंक यू। हियर यू गो। यस। ऑलराइट सी यू बाय बाय। दारू नमान वाली गाड़ी आ गई है। सो बिलिंग हो गई पेशेंट की? हाँ अभी फाइनेंस वालों ने बताया है, आप उस पेशेंट को रेडी करवा दो। चलो बस दारू से गाड़ी आती होगी। ठीक है ये रहे। थैंक यू। देख लो इब्राहिम, यार ये सब क्या हो रहा है? हाँ फरखंदा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस से, हमदानी साहब को बता दीजिएगा। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन ये 202 में जो पेशेंट हैं वो रूम में नहीं है। सर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। क्या डिस्चार्ज हो गई हैं? जी। कैसे डिस्चार्ज हो गई हैं? कहाँ भेजा है आपने उनको? दारू नमान। देखिए डॉक्टर से हमारी बात हुई थी कि डिस्चार्ज होने के बाद वो हमारे साथ घर जाएंगी, फिर आप लोगों ने उनको कैसे वहाँ भेज दिया है? देखिए सर हमें जो कुछ करने के लिए कहा गया हमने वही किया है। अच्छा ठीक है, मुझे वो दारुल अमान का एड्रेस दीजिए आप। जी हाँ ठीक है, आप रूम नंबर 11 के मरीज को रूम नंबर 202 में शिफ्ट कर दें। प्लीज जल्दी दे दें मुझे एड्रेस। ये लीजिए सर। हाँ मैं अभी दारुल अमान जा रहा हूँ, मैंने हॉस्पिटल से एड्रेस लिया है। ठीक है तुम पहुँच कर बताओ मुझे, मैं तब तक बार चेयरमैन से बात करती हूँ। ठीक है तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके ओके बाय। अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिज़। मैंने वार्डन को फोन करके कह दिया है, वो अभी थोड़ी सी देर में मारुख को यहाँ कमरे में ले आती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दारुल अमान के हवाले से जो बातें आपने मुझसे की हैं उन्हें सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ कि हर जगह का सच मुख्तलिफ होता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा आपने सुना है या जैसा आपने समझा है। ठीक है अगर आप कह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि यहाँ पर रहने वाली खवातीन के आराम और सुकून का हर चीज यहाँ मयसर है।
और ख़ास तौर पे उनके खाने पीने का, उनके उठने बैठने का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। और वो लड़की भी यहाँ बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से, आप बिलावज में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप दुरुस्त कह रही होंगी, लेकिन ऐसी जगहों पर हर तरह की खवातीन होती हैं, घर से भाग कर आने वाले भी और जराइम पेशा भी। मैं आपसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि इस तरह की जराइम पेशा लड़कियों को हम आम लड़कियों से बिल्कुल अलग रखते हैं। क्या क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ नहीं, आप प्लीज तशरीफ रखें, मैं भी आती हूँ। मैडम मेरा यकीन करें, वो लड़की इस गेट से नहीं गई। मैं सुबह से गेट पर बैठा हुआ हूँ, वो आई थी मेरे पास, बाहर जाना चाहती थी, पर मैंने उसे बाहर नहीं जाने दिया, वापस उसको अपने कमरे में भेज दिया। हम उन्हें दारुल अमान के हर कमरे में चेक कर चुके हैं, वो हमें कहीं नहीं मिली। मगर मैडम मैं अपनी ड्यूटी बिल्कुल अलर्ट होकर कर रहा था। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितना अलर्ट होकर ड्यूटी करते हो। मैडम मेरी बात का यकीन करें, वो लड़की इस गेट से नहीं गई है। दुआ करो कि वो लड़की मिल जाए, अगर वो लड़की नहीं मिली ना तो मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगी जहाँ से तुम आए हो। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो लड़की इस गेट से नहीं गई है। आप तो कह रही थी वो यहाँ बहुत महफूज है, आपका सच सामने आ गया कि वो यहाँ कितनी महफूज थी। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। आपको पता है ना कि उसकी याददाश्त नहीं है, वो ना किसी को जानती है ना पहचानती है, वो किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकती है। आई स्वेयर टू गॉड, अगर वो ना मिली ना तो मेरी बेगम वकील है, मैं आपके इस पूरे दारुल अमान पर केस कर दूंगा। आलिया, कुछ पता चला? नहीं, मैं भी बस ढूंढ ही रहा हूं, समझ नहीं आ रही कहां ढूंढूं। हाँ ठीक है, कुछ पता लगेगा तो मैं तुम्हें फोन करता हूं। ओके ओके। कहाँ तलाश करूं मैं? ऐसे हैरत है, मारूक की याददाश्त खो गई है, लेकिन उसका फिर भी दिल नहीं कर रहा था उस जगह जाने का। पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी, ये गार्ड सो रहा था क्या? अरे अम्मी, वो बेचारा तो कसम उठाकर कह रहा है कि उसने बाहर दरवाजे से किसी को भी जाते नहीं देखा। तो क्या वो दीवार के आर पार चली गई थी? पापा आपको पता है मैंने किस स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक लड़की दीवार के आर पार हो सकती थी? यस यस पापा, वो स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी। पापा कहीं उसमें भी तो ये पावर्स नहीं हो सकता है? आजो वो उड़ के चली गई हो। भाई आप लोग अपने कमरे में जाएं और अपना सुबह के लिए बैग पैक करें, वरना सुबह उठ के ना अपनी किताबें ढूंढ रहे होते हैं।
मम्मा बस 5 मिनट्स। मेरा ख्याल है हमें ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। ना इतने बड़े शहर में हम कहाँ ढूंढेंगे, पुलिस ही ढूंढेगी ना। और हमारे पास उसकी तस्वीर भी तो है। वो तो दारुल अमान वालों के पास भी होगी, उन्होंने दे दी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हॉस्पिटल चली गई हो, मालूम तो करो जरा। नहीं अम्मी, वो वहाँ नहीं गई, मैंने फोन करके पता किया था। मैंने तो सारे कानूनी पेपर्स भी तैयार कर लिए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं खुदा न करे उसके साथ कोई हादसा ही। चलो बच्चों, खाना निकाल रही हूँ, खाना खाओ, सुबह स्कूल भी जाना है आप लोगों को। आ जाओ। अंजी, क्या सोच रही हो? मारुक के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं देखता हूँ यार। नहीं नहीं, तुम बैठो, मेरा पार्सल होगा, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। फिर? जी फिर। तुम यहां कहां से आ गई?